क्लास 8th। देखिए आपको मैंने ये नाउन का चैप्टर आपको रीडिंग करा दिया है, ठीक है ना, और आप देख लीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज है ये। क्लासीफाई द अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फर्स्ट देखिए, श्री वी वी गिरी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अवर रिपब्लिक। तो इसमें नाउन्स छांट रहे हैं हमको, तो श्री वी वी गिरी कौन है? प्रॉपर नाउन, क्यों? किसी व्यक्ति का नाम है। सेकंड देखिए, द ताज इज बिल्ट ऑफ मार्वल, तो ये मटेरियल नाउन है, मार्वल। कालिदास प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। गोल्ड मटेरियल नाउन है, ट्रुथ आवश्यक नाउन है, कमेटी कलेक्टिव नाउन है, और कीस कलेक्टिव नाउन है, लॉइन कॉमन नाउन है, स्नेक कॉमन नाउन है, क्राउड कलेक्टिव नाउन है, हेल्थ आवश्यक नाउन है, ट्रिब्यून प्रॉपर न्यूज़पेपर का नाम है, राधाकृष्णन प्रॉपर नाउन है, और ब्यूटी आवश्यक नाउन है, ठीक है ना। तो ये आपके, अब देखिए दोबारा बताऊँ आपको, समझ में आपके आ गया होगा, दोबारा बता रहा हूँ मैं। वी विगरी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अगर इसकी जगह बॉय होता, मैन होता, वो कॉमन नाउन होता। मार्बल ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये जमीन के नीचे से निकलती है, इनसाइड, ठीक है। और कालिदास किसी व्यक्ति का नाम है, शेक्सपियर किसी व्यक्ति का नाम है, परंतु यहाँ पर दा लग रहा है, तो इसको हम प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते। ऑफ इंडिया हम, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी देश का नाम है, ठीक है ना। तो इसको कह रहे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, मतलब जैसे शेक्सपियर थे ऐसी कालिदास थे, ठीक है ना। इसकी, इसको ये कंपैरिजन हो रहा है इससे, ठीक है ना। तो गोल्ड ये खोदा जाता है, पृथ्वी के नीचे से निकलता है, तो ये गोल्ड, जिससे दूसरी धातु भी बनाई जा सकती है, दूसरी वस्तु भी बनाई जा सकती है, इसको दूसरी धातु में भी मिला जा सकता है, और इससे दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, जैसे रिंग है, ठीक है ना। और इसका ट्रुथ, ट्रुथ कहते हैं आवश्यक नाउन, इसको कहीं देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते। कमेटी, ये कमेटी में 10-20 व्यक्ति होते हैं, तो उनका कलेक्शन हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ द पर्सन। और ये इसमें कीज मीन्स एक गुच्छे में 10-20-50 चाबी होती है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। लॉइन, ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि लॉइन की बहुत से लॉइन, अगर किसी जंगल में जाएंगे तो आपको बहुत से लॉइन पाए जाएंगे, तो उनको कॉमन नाउन ही कहेंगे। कब स्नेक, कहीं आप चले जाएं, स्नेक कहीं आप 10-100-50 स्नेक हों, तो वहीं आप कौन सा स्नेक छांट नहीं पाएंगे, तो इसको स्नेक ही कहेंगे, उसको आप नाम नहीं दे पाएंगे उसका। क्राउड भीड़, ठीक है, क्राउड भीड़ तो कलेक्टिव, जैसे हेल्थ, इसको आवश्यक नाउन कहेंगे। ट्रिब्यून, ट्रिब्यून है न्यूज़पेपर का, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, तो इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन एक महापुरुष थे हमारे देश के, ठीक है, तो उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। और ब्यूटी आवश्यक नाउन, ठीक है ना, सुंदरता। तो अब सेकंड में देखिए, राइट फाइव नाउन्स यू फाइंड, इनमें फाइव नाउन्स आप छांटिए। इन द स्काई कहते हैं आकाश, तो आकाश में आपको क्या क्या पाया जाता है, जैसे कॉमन नाउन में, जैसे आकाश में स्टार्स हैं, मून हैं, सन हैं, गैलेक्सी, और इसमें और भी कई चीज़ें हैं वो आप पा सकते हैं। मेट्रो स्टेशन पर आप क्या क्या पा सकते हैं नाउन्स में, स्टेशनरी शॉप में आप नाउन क्या क्या पा सकते हैं नाउन में, स्कूल बैग में आप क्या क्या पा सकते हैं नाउन में, बेकरी में आप क्या क्या पा सकते हैं नाउन, अब वो आपको लिखना है, ठीक है ना। और देखिए, ये आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया, क्लास 8th का। थैंक यू। और इसको आप अपनी फेयर कॉपी में उतारिए, फेयर कॉपी से आप अपना उतारिए, इसको अच्छी तरह याद कीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको पिक डाल दूंगा इसकी, एक्सरसाइज की, आप उससे अपनी कॉपी पे अपना काम कर सकते हैं। अपनी बुक से आप इसको अच्छी तरह देखिए, ताकि आपके अच्छी तरह ये समझ में भी आ जाएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। ओके।